अस्सलामुअलैकुम। मैं सभी के लिए कुवैत में रहने वालों के लिए कुछ खास अपडेट लेके आया हूँ, जिसमें अपडेट में सबसे पहली खबर यह है कि कुवैत के अंदर सिविल एविएशन ने एक अनाउंस किया है। जैसा कि सभी को पता होगा कि कुवैत के अंदर लगातार उड़ानें उड़ रही है, जो कि इलीगल लोगों को अपने अपने कंट्रियों के अंदर भेजा जा रहा है, जिनमें अब जो 20 तारीख आने वाली है मई की, लास्ट प्लेन वहीं तक चलेंगे, उसके बाद में यहाँ से कोई उड़ान नहीं होगी। हालांकि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 20 तारीख के बाद जो इलीगल लोगों की उड़ानें यहाँ से नहीं उड़ेगी, हो सकता है सिर्फ संकेत दिए हैं, बाद में भी फ्लाइट वगैरह उड़ सकती है। इसके बाद अगली जो अपडेट है, इस अपडेट में ये बताने वाला हूँ कि कुवैत के अंदर इंडियन एम्बेसी है, उसने जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो बंद कर दी है। अभी चालू होगी या नहीं होगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया, लेकिन ट्विटर पर जानकारी दी कि बंद कर दिए। इसके बाद जो जितने भी इंडियन लोग हैं जाने वाले, अगर उनको कोई इमरजेंसी है तो ये जो फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में है, स्क्रीन पे है, इन पे कॉल करके पता कर सकते हैं, कोई इंक्वायरी वगैरह कर सकते हैं। या फिर कोई इमरजेंसी वगैरह है, कोई जैसे कि लेडीज़ प्रेगनेंसी वगैरह है, कुछ प्रॉब्लम है, तो ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ इंडियन एम्बेसी ने यह भी बताया कि वो कोई एयर इंडिया की टिकटें वगैरह बुकिंग नहीं करती, ना ही प्राइस बताते हैं, ना ही कोई टिकट से रिलेटेड कोई खबर वगैरह वो कहते हैं या फिर कोई जिम्मा उठाते हैं। ये सिर्फ जो एजेंसी है एयर इंडिया की टिकट वगैरह वही बुकिंग करती है। के अंदर महबूला और जलीबल शुएक में जो लोहे के जो तार वगैरह होते हैं उनसे कवर कर रखा था पूरा एरिया, जलीबल सुवेक और महबूला, उनको पूरी तरीके से हटा दिया है, क्योंकि अभी कुवैत के अंदर बैन चालू है पूरे कुवैत के अंदर, यानी कि कोई भी एरिया मंतका बाकी नहीं है, इसीलिए वहाँ से हटा दिए हैं। अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं, फिलहाल जितने भी एरिया हैं वहाँ से हटा दिए। के अंदर जितने भी बकाले हैं, छोटे छोटे किराने की दुकानें हैं बिल्डिंगों के अंदर बनी होती है, अब उनकी टाइमिंग बल्दिया ने फिर से चेंज कर दी है, सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक। आपको कोई सामान चाहिए तो वहाँ से संपर्क करके उनसे मंगवा सकते हैं, सिर्फ सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक, ये टाइमिंग चेंज है। अभी फ़िलहाल यही टाइम चल रहा है प्रेजेंट में, आगे और कोई टाइमिंग चेंज होगी तो खबर आपको ज़रूर मिलेगी। कुवैत के अंदर कोई जमैया बंद है, मान लो किसी मंतके के अंदर सुपरमार्केट बंद है, तो वो कोरोना की वजह से बंद किया गया है, क्योंकि वहाँ पे कोई मामले पॉजिटिव मिलते हैं जो अंदर काम करते हैं, सामान वगैरह जमाते हैं, कोई अगर कोरोना के मामले हो जाते हैं तो फिर जमैया को है जो बंद कर दिया जाता है। इसीलिए जिस मंतके में जमैया बंद है, पास के जमैया से शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट लेके खुद भी शॉपिंग करने, खाने का सामान ले आके आ सकते हैं। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए कुवैत की नई नई खबरें पाने के लिए, और साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि कभी भी नोटिफिकेशन नए नए न्यूज़ का मिलता रहे।